साहब से कहूंगा कि माइनॉरिटी वेलफेयर भी आपके हाथ में है सर। ये वक्फ बोर्ड का एक ऑफिसर है जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में 22 साल से है सर, 22 ईयर्स सर ही इज इनटू माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब बड़े बड़े लोग पूरा पुश कर रहे हैं कि ये 22 ईयर्स से जो माइनॉरिटी ऑफिसर है, ही इज इंचार्ज ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, ही इज इंचार्ज ऑफ हज, ही इज इंचार्ज ऑफ वर्क बोर्ड, उसको इंचार्ज एडिशनल दे दिए सर, 22 साल से है। ऑफिसर्स ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट जाते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता ऑफिसर का, इट इज नॉट राइट, बट 22 ईयर्स सर ही इज गोइंग टू बी नाउ ही वॉन्ट्स टू बिकम अ सीईओ नाउ ही वॉन्ट्स टू बिकम अ सीईओ सर। सर यू वुड बी सरप्राइज सर, देर इज वन वर्क प्रॉपर्टी एट एबेट्स बाय द नेम मोइन मंजल, ऑनरेबल स्पीकर सर, थ्रू यू आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑनरेबल सीएम साहब। सीएम साहब आपको सुन के हैरत होगी कि एबेट्स पे एक मोइन मंजल एक वर्क प्रॉपर्टी है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने कोर्ट से स्टे लिया, वर्क बोर्ड इन कोल्यूजन विद द पीपल हु वॉन्ट टू टेक दैट प्रॉपर्टी विच वॉज रजिस्टर्ड वर्क प्रॉपर्टी विच आई वेंट टू द कोर्ट एंड आई कैंसल द रजिस्ट्रेशन। तो इसके स्टे मिला, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई, वर्क बोर्ड एंड दैट ओनर दे मेक मी अ पार्टी एंड दे वेंट टू द कोर्ट सर, आई वॉज इन लंडन, आई गॉट इन्फॉर्मेशन, मुझे पार्टी बनाए। वो अच्छा हुआ कि मैं अपने वकील को बोल के वहां गया, द चीफ जस्टिस गेव लेफ्ट एंड राइट टू द वर्क बोर्ड काउंसिल सर, लेफ्ट एंड राइट, कि हाउ डू यू ब्रिंग द अकबर ओवैसी नेम इन दिस, हाउ कैन यू आस्क अबाउट अकबर ओवैसी, नो, एंड ही डिसमिस द पिटिशन सर। सर इस तरीके से पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह बर्बाद हो रहे हैं सर, वक्फ के प्रॉपर्टीज देव लॉस्ट द केस सर। वाइसराय होटल हाउस कमेटी सर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच प्रूव दैट द वाइसराय होटल इज अ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय वक्फ, द वक्फ बोर्ड हैड लॉस्ट द केस सर। अली साद आसुर खाने का गया, मामेट पल्ली सर, देयर इज अ लाइन ऑफ केसेस सर। सर थ्रू यू आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब सर, आई हैड बीन डिमांडिंग दैट अ सीबीसीआईडी इंक्वायरी शुड बी ऑर्डर्ड एंड द बीआरएस गवर्नमेंट हैड ऑर्डर्ड अ सीबीसीआईडी इंक्वायरी ऑन वक्फ प्रॉपर्टीज ऑन वक्फ बोर्ड सर। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कॉल द सीबीसीआईडी डिपार्टमेंट पीपल एंड आस्क देम टिल वेयर हैव दे रीच्ड, व्हाट इज द फाइंडिंग्स, हु आर द पीपल, कौन है वो लोग जो वक्फ की जायदाद को तबाह करे, बेचे, उन सारे लोगों को हथकड़ी डाल के जेल में भी जाना साहब। साहब अब तक सीबीसीआईडी की रिपोर्ट इंक्वायरी क्या हुई साहब, मुतवल्ली बना दे रहे, ये जिसको देखो वोट आता बोल के दे रहे, लेफ्ट एंड राइट सर वी आर लूजिंग केसेस सर। यू प्लीज फाइंड आउट सर, द मिनिस्ट्री कम्स अंडर यू सर, ऑनरेबल सीएम सर, प्लीज कॉल एंड आस्क देम कि हाउ मेनी केसेस द वर्क बोर्ड हैज लॉस्ट इन वन ईयर सर। दे हैव लॉस्ट ऑल मेजर केसेस सर, गुट्टाला बेगमपेट दे हैव लॉस्ट इट सर, वर्क बोर्ड दे आर जस्ट लूजिंग लेफ्ट एंड राइट सर। सर यू नीड टू कॉन्स्टिट्यूट द वर्क बोर्ड सर, आई एम टेलिंग यू सर, if the work properties are protected sir, you need not give anything to Muslims sir, the work board can take care of the Muslims, their poverty they can be finished sir, education ka, employment ka, har ek cheez ka jawab work board mein sir, please sir, main aapse request karunga, ye work board ka dekhiye, tabahi aur barbadi ho rahi hai, jail mein daliye sahab in logon ko jo Allah ki amanat, Allah ki zameen ko beche sir, from last 25 years sir I am fighting, screaming, shouting for protection of work land, sir. So through you, I kindly, humbly, I plead and I request that please protect the work property, sir. Please protect. Ye kisi ke baap ki jagir nahi hai, sir. This is the property of Allah, sir. Almighty Allah, sir. When they were agitating for Telangana, sir, with me, the BRS went to the court stating that Hussain Shah Wali Dargah land 1,600 acres is a Waqf land. They were party with me, the TRS, KCR Saab was there. Sir, we got an order in our favor stating that land is there. This TRS government, which claims to be the champions of minorities, yehi government Supreme Court mein gave an affidavit stating that this long land doesn't belong to work board, sir. I went to the Supreme Court also. We fought and we lost the case, sir. Sir, I request, sir. Please protect the work properties, sir.
सर वर्क प्रॉपर्टीज पे अगर कोई बिल्डिंग्स आ गए हैं तो मैं वो बिल्डिंग्स को खाली कराऊं नहीं बोलूंगा आपको। आप वो जमीन किसी को अलॉट कर रहे हैं तो ले लो नहीं बोलूंगा। किराएदार बना दीजिए साहब, कुछ तो पैसा वक्फ बोर्ड को आने दीजिए, कुछ तो आने दीजिए। पूरी वक्फ तबाह हो रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि एक मर्तबा देखिए, बस एक दिन ऑर्डर निकल गया, सरकार का हुक्म हो गया था केसीआर साहब का, रिकॉर्ड्स को लॉक डाल दो, लॉक बंद। सर नोबडी वाज आल्सो अलाउड टू गो एंड ओपन द लॉक, सी द रिकॉर्ड्स, फाइट द केस। फिर मैं जाके लॉक को थोड़ा खोला, जाकर बोला कुछ नहीं। यह हाल था सर। बेशक साहब दोस्त थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे पास ऐसा हुनर है कि हम दोस्तों से भी काम ले सकते हैं, दुश्मनों से भी काम ले सकते हैं। हमने इस दोस्त से काम लिया है, इंशाल्लाह इस दोस्त से भी हम काम लेंगे और काम करवाएंगे, हम जरूर करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही दोस्ती की और कुछ नहीं, हमने दोस्ती में सिर्फ गंवाया नहीं, दोस्ती में हमने कमाया भी बहुत है। हमने दोस्ती के जरिए मुसलमानों के लिए हासिल भी किया है, पुराने शहर की तरक्की के लिए भी किया है। हां बेशक बहुत सारी चीजें हैं जो होना बाकी है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि सारे काम एक वक्त में नहीं हो सकते। अगर आज देखेंगे तो हमारी जिद्दोजहद का नतीजा है। सर आई रिमेंबर सर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एंटर्ड दिस हाउस द माइनॉरिटी बजट वॉज ओनली 5 crore सर, सो आई वॉज जस्ट सरप्राइज्ड, आई वॉज जस्ट सरप्राइज्ड। Then to my surprise and to my happiness, it was made 29 crores. I was very happy, sir. But sir, चाहे राजशेखर रेड्डी से दोस्ती हो, हमने खुल के दोस्ती की। रोशया से हो तो खुल के दोस्ती की, केसीआर से हो तो खुल के दोस्ती की, अब आपसे दोस्ती कर रहे हैं तो आपसे भी दोस्ती खुल के करेंगे। मगर एक बात है कि अगर आज 3,000 crore का बजट अगर मुसलमान अखलियतों का अगर इस रियासत में है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन ओवैसी की मेहनत, जिद्दोजहद, कोशिश, लड़ाई और बेबाकी का नतीजा है कि 3,000 हुआ। अगर मजलिस न होती तो शायद आज कुछ न मिलता। रिजर्वेशन भी मिला, आई नो दैट कि मजलिस की कामयाबी है। कांग्रेस वॉज इन पावर इन राजस्थान, आसाम, देर दे नेवर गेव अ रिजर्वेशन, बट हियर दे वर फोर्स टू गिव द रिजर्वेशन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ MIM। दैट इज वाई आई से द नीड इज दैट द प्रेजेंस ऑफ MIM इज मस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एंड द जस्टिस फॉर द मुस्लिम्स। और मैं ये भी बात कहूंगा कि इनके दौर में भी मसाजिद शहीद हुए और आज भी मसाजिद शहीद हो रहे हैं। शमशाबाद में मस्जिद शहीद हुई, दोबारा मुइनाबाद के पास दोबारा बनाने के लिए गए तो रोक दिया गया। सर मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप मालूम करिए कौन है। मुझे मालूम, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, वक्त पे नाम लूंगा। उन सारे लैंड ग्रैबर्स का, लैंड का धंधा करने वाले वो धंधेबाजों का जो मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार है, चंद पैसों के लिए अल्लाह के घर की शहादत करे, सर उनको जेल में डालना चाहिए आप। वी शुड नॉट टॉलरेट सर। यहां जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू है मुसलमान, सब मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, सब मिलकर साथ चलते हैं। हम इस मोहब्बत को और मजबूत करना होगा, इसको और परवान चढ़ाना होगा। सर लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब लास्ट में कंक्लूड करूंगा। अब आप बोल रहे हैं दोस्त, राइट सर, ये अच्छे दोस्त नहीं थे, आप अच्छे दोस्त थे बोले। मैं एक मिसाल देता हूं मेरे दोस्त की दोस्ती का। सर अमित शाह साहब आए थे इलेक्शन कैंपेनिंग, छोटे बच्चों को उठाए थे, केस बुक हुआ था, आई थिंक ऑल यू माइट हैव आल्सो रेड इन द न्यूज़पेपर्स। सर उस वक्त एक केस मेरे पे भी हुआ, मुझ पर। सर 10 o'clock इज द डेडलाइन, 9:50 अ पुलिस ऑफिसर ही जस्ट पुशेस द क्राउड, 9:50 सर ही वॉक्स ऑन द स्टेज, ही कम्स एंड ही ट्राइज टू स्टॉप मी। I told, अभी वक्त है, घड़ी है मेरे हाथ में, 10 बजे तक टाइम है, उससे पहले खत्म करूंगा। इतना ही हुआ सर, इतना ही हुआ। चलिए आप जाइए, I said. That police officer went away. But the then commissioner, he booked a case against me. He booked a case. My meeting is going on. It is 9:50. He comes and he's obstructing, he's disturbing, and he books a case against me.
And then an inquiry was conducted. The then commissioner of police, Shendaliya, he called me and he said, Akbar Owaisi Sahab, I know you are right. Our officers were wrong. I am sorry for it. And I am going to make sure the case is withdrawn. Sir, he moves out. He calls the commissioner of police who is there today. And the commissioner of police says, no, I am not going to withdraw that case. The case will go. I am filing the charge sheet. मैं मुसलमान हूं बोल के मेरे ऊपर केस, और वो अमित शाह है आपके दोस्त या बड़े भाई है बोल के उसलिए उनका केस वापस ले लिए। वाह क्या है साहब, क्या है। अरे हमारी किस्मत तो ऐसी है, ना इस दोस्त ने हमारी दोस्ती के साथ वफा की, ना इस दोस्त ने वफा की है। हम तो नहीं, नहीं सर, तो वो कैसा हाथ निकाले सर पुलिस गे, नो सर, नो सर, यू आर रॉन्ग सर, माई लर्नेड फ्रेंड, यू आर रॉन्ग सर, you are wrong sir. Police conducted an inquiry and gave a report stating that ke we can withdraw the case, and they submitted the court, and after the inquiry of the police, the case has been withdrawn from Amit Shah, because he is Amit Shah, bade bhai ke bhai. Ab gareeb dost hai aapka ye, isliye case chal raha hai. Khair sir, I am not worried sir. अकबर ओवैसी डरने वालों में से नहीं है। पुलिस चाहे कितना भी जुल्म कर ले, ज्यादती कर ले, केस बुक कर ले, अकबर ओवैसी सीना पेश करेगा, पीठ नहीं बताएगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, रेप हो रहा है, गांजा आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, ड्रग आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, पुराने शहर में चाकू निकल रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है बताइए आप। लेकिन पुलिस 10:30 को डंडे मार रही है। सर आई हैव द राइट टू लिव, आई हैव द राइट टू लिव, आई हैव द फ्रीडम इन दिस कंट्री। आफ्टर 11 o'clock आई एम स्टैंडिंग आउट ऑफ माई हाउस एंड द पुलिस इज टेकिंग आउट द स्टिक्स एंड बीटिंग मी। कर्फ्यू के ऐसा हाला कर दिए पुलिस। सर पुलिस अगर अपने ड्यूटीज करेगी ना सही तरीके से, तो कत्ल नहीं होंगे, गांजा नहीं आएगा। मेरे दोस्त हैं, हमारे ऐवान में रुकन है, उनके एरिया में पुलिस रेड करी, दो मरतबा, कुछ भी नहीं घटा। तो उसके बाद में कमिश्नर पुलिस केम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड के प्रॉबली वी हैव इन्फॉर्मर्स इन अवर डिपार्टमेंट हु आर इन्फॉर्मिंग एंड एवरीथिंग इज क्लियर, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। ये पुलिस है सर, पुराने शहर में 11 बजे के बाद मार रहे हैं, क्या जुल्म है साहब ये। मैं घर के बाहर नहीं खड़े रह सकता, गरीब का घर, गरीब की झोपड़ी छोटी होती है, सोना मुश्किल है, गर्मियों में बर्दाश्त नहीं करके वो घर के बाहर निकल रहा है, तो बाहर कैसा निकला बोल के मार रहे हैं, क्या जुल्म है साहब ये। क्या इसलिए कांग्रेस को लाए कि मैं घर से निकलूं तो मारा जाएगा, मैं घर के चबूतरे पर बैठे तो मारा जाएगा। चाकुआ कत्ल बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। काइंडली टेक केयर ऑफ दिस लॉ एंड ऑर्डर सर, और अच्छे ऑफिसर्स को ला लिए, अच्छे ऑफिसर्स को लाइए, करप्ट ऑफिसर्स नहीं होना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना, गांजा बंद होना, व्हाइटनर बंद होना है, ड्रग्स बंद होना है, नशे की लत में आज पूरा शहर डूबा हुआ है। आई वेलकम द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इन पर्टिकुलर बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बाय फॉर कर्विंग द मेनेस ऑफ दिस गांजा ड्रग्स। सर वी विल लेंड अवर फुल सपोर्ट सर, बट लेट मी टेल यू सर, कोई गांजा बगैर पुलिस की मर्जी से नहीं आता सर, सब मालूम उनको सर, सब मालूम। लेकिन आंख बंद करते हैं अपने जेबों को भरने के लिए। इसलिए मैं कहूंगा कि आज वक्त की जरूरत है कि हमको और आपको फिरका परस्त ताकतों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमको देखना है कि असेंबली के नतायज क्या थे और उसके क्या थे। और चीफ मिनिस्टर साहब आप मौजूद नहीं थे, तो मैं एक बात कहा था कि बजट के स्पीच में आपके डावोस को आप गए थे, 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए, बजट स्पीच में आना था ना साहब, के शॉर्ट उसमें इतना बड़ा अचीवमेंट। तो काइंडली सर इस पर देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना रियासत तरक्की करेगा, खुशहाली के तरफ जाएगा, और यहां का जो पर कैपिटा आज है ये और आगे बढ़ेगा, और मुसलमानों को उनका हक दिया जाएगा, उस्मानिया हॉस्पिटल बनेगा, और मुझे उम्मीद है कि पुराने शहर में
ट्रेन छुक छुक आएगी मेट्रो, और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जयपाल रेड्डी साहब को हम नहीं भूल सकते जिनकी वजह से मेट्रो आई, हम राजशेखर रेड्डी साहब को नहीं भूल सकते। लेकिन उसके साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी कोशिश किया था मेट्रो को, उसको भी ना भूलिए, और अगर नहीं भूले हैं तो पुराने शहर में भी चलाइए साहब, मेट्रो आएगी यकीन है, और वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ्फुज होगा, पुराने शहर में पुलिस का जुल्म कम होगा, और खुशहाली व तरक्की के लिए हमारा पूरा तावुन आपके साथ है, और हम तावुन करेंगे। हम ऐसे दोस्त नहीं जो दोस्त बनकर पीठ में खंजर भोंकते हैं, हम ऐसे दोस्त हैं जो अपने दोस्त पे खंजर आएगा तो अपने सीने को पेश करने वालों में से है, हम वैसी दोस्ती निभाने वालों में से हैं, वैसी दोस्ती निभाएंगे, उम्मीद करेंगे कि मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा और हक मिलेगा, और जो जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी, और मसाजिद शहीद नहीं होंगी, फिरका परस्त ताकतें कमजोर होगी। और स्पीकर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मुझे वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।